यह है 1 लाख शिवलिंग वाला गांव जहां पे एक मृत आदमी भी जीवित हो जाता है। बूढ़ा है या जवान, उनकी डेड बॉडी यहाँ लाते थी। ये हवन कुंड है, ये सुरंग है, इसके बीच में डेड बॉडी रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके जाती थी, मंत्र द्वारा उस पे जल का छेड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। ये शक्ति है बेटा। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मित्रों। तो जैसा कि टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ जिस गांव में, जिस स्थान पर 1 लाख शिवलिंग है। ये है देहरादून के लगभग 150 किलोमीटर, 120 किलोमीटर दूर। तो अभी हम हैं देहरादून में और यहाँ से हम जा रहे हैं सुबह सुबह बस पकड़ के। देखते हैं पहले बस स्टैंड पे कहाँ पे मिलेगी, किस समय पे मिलेगी, ताकि आपके लिए भी इजी रहे जो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी इसी थ्रू जा पाए। जगह का नाम है लाखा मंडल, जो कि देहरादून से 121 या 22 किलोमीटर एग्जैक्टली दूर है। चलिए चलते हैं, और चलते चलते मैं आपको व्याख्यान करता हूँ जहाँ पे हम जाने वाले हैं। देहरादून रेलवे स्टेशन के साइड में देहरादून बस स्टैंड है, जहाँ से पर्वतीय बस यानी कि देहरादून से नौगांव के लिए जाने वाली बस मिलती है। 8 बजे से पहले भी कोई जाती है भैया? सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर के 12 से 1 बजे तक आपको नौगांव जाने वाली बसेस देहरादून से मिल जाएंगी। आपने देश दुनिया में बहुत सारे मंदिर देखे होंगे जो अपने चमत्कारी और रहस्यमयी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध रहते हैं। ऐसा ही एक चमत्कारी और रहस्यमयी मंदिर है जहां मृत भी जिंदा हो जाता है। आज हम यात्रा कर रहे हैं यमुना माँ के कल कल बहते हुए जल के समीप। गंगोत्री की यात्रा करते हुए तो हमें गंगा नदी के तट पर बहुत सारे बसे हुए गांव दिखे, लेकिन यमुनोत्री के रास्ते में आपको बहुत ही कम गांव बसे हुए दिखते हैं। इसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। यदि आपको इसका रीजन पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिस मंदिर में आपको लेके जा रहा हूँ, यहाँ किसी व्यक्ति के शव को लेकर जाया जाए तो उसकी आत्मा उस शव में पुनः प्रवेश कर जाती है और वह इंसान जीवित हो उठता है। तो अभी आ चुके हैं हम लाखा मंडल, अब जा रहे हैं यहाँ से बाय रोड। पीछे हमें अभी बस छोड़ के गई और इधर से नीचे से हमें जाना है मंदिर की ओर। वो जो आप पुल देख रहे हैं उसे पार करके एक गांव पड़ेगा जहाँ पे है लाखा मंडल विलेज, और नीचे कलकल बहती हुई ये यमुना नदी है। इतना स्वच्छ जल है, लेकिन ये जल शहरों तक पहुँचते पहुँचते बहुत गंदा हो चुका होता है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है, टैक्सी वगैरह यहाँ पे मिलती नहीं है। यदि आप पीछे से लेके आते हैं तो ये आपके लिए बेटर है। डायरेक्ट बस भी कोई नहीं है मंदिर तक। जो आपका पुल का कॉर्नर है वहाँ पे आपको बस छोड़ के जाती है, जहाँ से आपको या तो टैक्सी हायर करनी पड़ती है या फिर लिफ्ट लेके जाना पड़ेगा। मैं लिफ्ट का वेट कर रहा हूँ क्योंकि टैक्सी हायर करना मतलब 500 रुपये देना। तो चलिए देखते हैं कोई लिफ्ट मिल जाए अगर मंदिर तक, और यमुना जी के साथ चलते हैं हम भी पदयात्रा करते हुए मंदिर तक। और इस सुनसान रास्ते पे ये स्कूटी वाले भैया पता नहीं कहाँ से आए, जिन्होंने मुझे लिफ्ट दी लगभग मंदिर के पास तक। चलो जी, हमारे यहाँ पर ट्रैकिंग भी हो गई। अभी अभी उन भैया ने और नीचे जो आपको रोड दिख रही है वहाँ पे छोड़ के गए, और उन्होंने कहा यहाँ से आप थोड़ी दूर ऊपर पैदल चले जाइए, वहाँ पे मंदिर है। चलते हैं मंदिर की ओर, देखते हैं हमारे लिए क्या क्या रहस्य यहाँ पे छुपा हुआ है। तो चलते चलते हम उस रोड से ऊपर तक आ चुके हैं, और लगभग वो जो आपको विलेजेस दिख रही है शायद वहीं पे लाखा मंडल मंदिर है। चलिए चलते हैं पता लगाते हैं। और लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर गांव से ट्रैकिंग करते हुए मैं पहुंचा अपने डेस्टिनेशन पर। तो ऐसा लकड़ी का गेट दिखाई देगा जहां पे मंदिर का गेट है, साइड में पार्किंग भी है एलोकेटेड, लाखा मंडल पार्किंग शिव टेम्पल। और यहाँ पे काफी रूम्स भी अवेलेबल है जो होम स्टे वगैरह है। चलिए पहले मंदिर के दर्शन किया जाए। चलिए थोड़ा मंदिर के बारे में आपको जानकारी दी जाए। लाखा मंडल स्थान यमुनोत्री मार्ग पर पड़ता है, और यह स्थान देहरादून जिले की चकराता तहसील के अंतर्गत आता है। लाखा मंडल यमुनोत्री से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समुद्र तल से लगभग 4,500 फीट की ऊंचाई पर लाखा मंडल स्थित है। यह जौनसार बावर क्षेत्र में पड़ता है। लाखा मंडल ठीक यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यह स्थान महादेव शिव के अनोखे मंदिर के लिए
जाना जाता है और यहाँ जगह जगह पर शिवलिंग और मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। समय समय पर यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो कि ASI है उनके द्वारा खुदाई में हजारों अवशेष यानी कि शिवलिंग अनोखी दुर्लभ मूर्तियाँ मिली हैं। आपकी आयु कितनी होगी वैसे? 70 हो। 70। मंदिर में प्रवेश करते ही हमारी भेंट हुई महिमानंद जी से जो कि हमें मंदिर के रहस्यों की जानकारी देंगे। तो सबसे पहले तो आपको हमारे इष्ट देवता के तरफ से आप लोगों को आशीर्वाद और हमारे पुजारियों की तरफ से। तो इस मंदिर की खोज गाय माता ने की है। गौ माता एक जमुना नदी पार से आती थी। मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो मीन ग्रह है शिवलिंग है वो सतयुग का है जिसकी खोज गाय ने की है। आपने अंदर पत्थर शिला पे पार्वती माँ के छोटे पैर देखे हैं। 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने की घोर तपस्या की है 12,000 साल तक, तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए। ये लाल कलर का शिवलिंग है, ये त्रेतायुग का है। ये शिवलिंग या तो राखा मंडल के शिव प्रांगण में इसकी स्थापना है या तो सोयत बंद रामेश्वर में जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए सोयत पुल बांधा था। ये पूरे भारत देश में कहीं और जगह ये शिवलिंग नहीं मिलेगा। ये हरे रंग का शिवलिंग है, ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का, जब कृष्ण जी का अवतार हुआ था द्वापर युग में। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 1,25,000 शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है, जिन्होंने लाखा मंडल भोले बाबा के दर्शन कर ले हैं उनके जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। वो मेला पूरे हिंदुस्तान भारत का देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे, 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है उस गाय के खोर के निशाने, ये देखो आप लोग, ये खोर के निशाने गाय माता। ये मंदिर ऊपर से बनाया गया नीचे को, ये नीचे से नहीं बनाया, ये ऊपर से बनाया गया नीचे को। और विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया, भीमसेन के हथेली पे ये बनाया गया। इसको पहचानते बेटे आप लोग के क्या चीज वो जरा, ये क्या चीज? महिषासुर। ये भगवान को शंकर को भक्षण करने जा रहा था। माता जी समझ गई उनकी धर्म पत्नी कि मेरे पति को भक्षण करेगा, उसने उसकी टांग पकड़ ली, सिर कमर पे गदा मारा और सिर पे पौन रहा, इसको दबोच दिया है। तो आप माता जी को नमन करो कि जय महिषासुर मर्दनी माता, जैसे आपने अपने पति के दुश्मन को दबाया है वैसे ही हमारे दुश्मनों को भी दबा देना और अपना आशीर्वाद माता जी बना के रखना। इसके पश्चात पंडित जी ने हमें मंदिर के अंदर दर्शन करवाए। और कुछ दूरी पर स्थित एक रहस्यमय शिवलिंग के पास लेके गए जिसपे जल चढ़ाते हुए आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। यहाँ पे चारों तरफ लाल ईट है, चारों तरफ लाल ईट है। इस ईट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी। तो बेटा ये सुरंग किसने बनाई पांडवों को बचाने के लिए, कुछ पता है? ये सुरंग बनाई विदुर ने, विदुर जी ने यहाँ से सुरंग बनाई और उनके साथ जो लेबर थी, विदुर तो इंजीनियर था, उनके साथ जो मजदूर थे चूहा, विदुर जी ने यहाँ से नक्शा बनाया और चूहों ने यहाँ से सुरंग बनाई और पांडवों को यहाँ से बाहर निकाल के, और नीचे सड़क पे आपको एक गुफा मिली है आते समय? नहीं, मैं इधर से आया हूँ, कच्चे रास्ते से, सड़क से नहीं आया, कच्चे रास्ते से आया। आप पैदल आए? हाँ। तब नहीं मिला बेटा।
तो आपके पास गाड़ी नहीं है? नहीं। अच्छा, तो बर्निंग घाट से पुल क्रॉस करके पैदल आए यहाँ? अच्छा, तो यहाँ पे यहाँ से एक किलोमीटर रोड, इधर रोड रोड पे, रोड पे बिल्कुल मेन रोड पे बाएं तरफ गुफा है। जब जाएंगे आप लोग आते समय दाएं तरफ, जाते समय बाएं तरफ, वो पांडवों की गुफा है, उसके अंदर जाएंगे आप, अंदर जाके सुरंग में चले जाते, वहाँ पे सुरंग, उसके अंदर जाके सुरंग में इतना छोटा शिवलिंग है, ऊपर से सेना का आकार है, ऊपर से पानी टपक रहा है, उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो आपके विराट राजा की ध्यान करती है, चक्रवता और नागथात के बीच में विराट खई है जहाँ पे आज भी खंजर पड़े हुए हैं। तो राजा विराट की नगरी है, पूरी नगरी है राजा विराट की थी, वहाँ पे पांडवों ने नौकरी करी है। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती, हरियाणा में, जहाँ पे पांडवों ने लड़ाई करी है, महाभारत की लड़ाई करी है। उसके अंदर तीसरी सुरंग है, वो आपके केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जब पांडव महाभारत जीत के वापस लौटे तो उन्होंने यहाँ पे आके 125,000 शिवलिंग की स्थापना करी है। इस नाखा मंडल के पूरे नगर में 125,000 शिवलिंग की स्थापना की, और यहाँ से वो लोग फिर स्वर्ग लेनी गए, बैकुंठ धाम पहुँच गए। तो एक सुरंग उसके अंदर बैकुंठ धाम की है। ये मूर्ति कौन सी है? राजा दक्ष ने यज्ञ किया और उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को बुलाया और अपनी बेटी जवाई को नहीं बुलाया। तो उनकी बेटी जवाई कौन थी? सती माता। सती माँ ने बोला कि पतिदेव, मेरे मायके में आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। भगवान ने उनको जवाब दिया, देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई बुलाव नहीं, हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपने पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आज जो है लड़ाई झगड़ा पति और पत्नी का होता है, तो ये परंपरा से चलते आया है। तो सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र। सतयुग में वीर और भद्र, भद्र वीर है और ये भद्र, भद्र वीर और भद्र। और त्रेता युग में इनका रूप है जय और विजय, और द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल, द्वारपाल, द्वारपाल द्वापर में। और इस कलयुग में इनका रूप है, ये देव है भगवान शंकर जी, इनका हीरे मोती का मुकुट है, देखो ऊपर, इनका हीरे मोती का मुकुट है, और ये दानव है राक्षस, इसके खोपड़ी पे ऊपर मुंडी है, ये मस्तान का निशान है, देखो आप, उनका हीरे मोती का मुकुट है, वो भगवान है देव, और ये उनके साथ दानव है, इनके खोपड़ी पे मुंडी है, ये मस्तान का निशान है। सामने ये शिवलिंग, ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम है मंडलेश्वर महादेव के नाम से, मंडलेश्वर महादेव। पांचों भाई यहाँ पे आए हैं और उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना, धर्मराज ने इसकी स्थापना अपने हाथों से की है, तो इसका नाम मंडलेश्वर महादेव के नाम से है। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं, 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी, वो लेडीज है या पुरुष है, बूढ़ा है या जवान है, उनकी डेड बॉडी यहाँ लाते थे। ये हवन कुंड है, ये सुरंग है, इसके बीच में डेड बॉडी रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके जाते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छीड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। ये शक्ति है बेटा, तो आपके लिए धन्यवाद है जो आप इस नगर में आए हैं। आपका माता पिता भाई बंधु सब लोग सुखी रहे। तो ये थे हमारे लाखा मंडल के दर्शन, आपको कैसे लगी? वीडियो लाइक जरूर करिएगा, 1000 एम रखते हैं वीडियो लाइक का। वो जो पहाड़ी दिख रहे हैं वहाँ पे कुछ कुंड मिला है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि वो पता नहीं पानी का कुंड है, धन का कुंड है, किसका कुंड है अभी तक पता नहीं चला है, बट अभी भी जाँच चल रही है, तो वहाँ पर अभी जा नहीं सकते, बाद में आपको कभी दिखाऊँगा आके। तो इस प्रकार थी हमारी लाखा मंडल की यात्रा, 1,00,000 शिवलिंग जहाँ पे जिस गांव में मिले हैं, जिसमें से कुछ शिवलिंग, कुछ मूर्तियाँ, कुछ अवशेष वहाँ पे रखे गए हैं मंदिर के पास, और कुछ अभी भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे में निकलते जा रहे हैं, और
आगे भी मिलते जा रहे हैं। कुछ मैंने अभी गुफा दिखाई जिसके अंदर जाना अभी मना है, जिसके अंदर रहस्यमयी तरीके से कुछ चीज़ें निकल रही हैं जो कि मैं आपको कैमरे पे नहीं बता सकता। तो ऐसी अद्भुत आश्चर्यजनक जगह पे यदि आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं। 12 महीने ओपन रहता है और 15 अप्रैल को यहाँ पे मेला लगेगा। तो 15 अप्रैल को लाखा मंडल मंदिर में 10,000 इस वीडियो पे लाइक्स के साथ मिलते हैं आपसे। धन्यवाद आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनके साथ आप ये यात्रा करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करिए यदि आप चैनल पर नए हैं, पुराने हैं तो शेयर करना तो बनता ही है। धन्यवाद, नमस्कार, शंभू।